सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइज, हर फोन के प्रोज रहते हैं, हर फोन के कॉन्स रहते हैं। तो गाइज, कॉन या कमियां वाली ऑनर 9 लाइट में जो कमियां है वो वाली वीडियो तो मैंने पोस्ट कर ही चुका हूँ, बट गाइज इस वीडियो में मैं आपको अच्छी बातें बताने वाला हूँ, या आप बोल सकते हो अच्छे पॉइंट्स कि क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट परचेस करना चाहिए इंडिया में। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज सबसे पहले रीजन की बात करते हैं कि क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर है इसका बिल और डिजाइन। गाइज यहाँ पर आपको ये प्राइस पॉइंट पे कोई ब्रांड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है जो ऑनर 9 लाइट में आपको मिलेगा। गाइज यहाँ पर आपको बैक में ग्लास मिलेगा, फ्रंट में ग्लास मिलेगा, बीच में मिलेगी मेटल की फ्रेम। तो गाइज यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी आपको मिरर टाइप का आपको बैक पैनल देखने को मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में यहाँ पर ऑनर 9 लाइट बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन निकल के आता है। सेकेंड रीजन की बात करते हैं कि क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर है इसका डिस्प्ले, और डिस्प्ले गाइज यहाँ पर आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। 5.65 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले भी मिलेगा। 2.5D कर्व ग्लास भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले जो पिक्सल काउंट है वो भी बहुत अच्छा 400 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक IPS पैनल है, बहुत ही सैचुरेटेड, या आप बोल सकते हो पंचर डिस्प्ले है, और IPS के हिसाब से अगर देखें तो। और एज वेल एज यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल जो डिस्प्ले है 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है। तो गाइज 5.65 इंच का डिस्प्ले भी आपको बहुत ही छोटे फुटप्रिंट वाले फोन में आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप 5.2 इंच का डिवाइस यूज़ कर रहे हो, फिर भी आपका जो डिस्प्ले है वो 5.65 इंच का रहेगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, बेजल भी आपको टॉप साइड और बॉटम में बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो था दूसरा रीज़न कि आपको ऑनर 9 लाइट क्यों लेना चाहिए। थर्ड रीज़न की बात करते कि क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर इसका प्रोसेसर, गाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा हाई सिलिकॉन केरिन का 659 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। 2.36 GHz पर क्लॉक कराया गया है। प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको बहुत ही डे टू डे टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लैग नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो स्नैपड्रैगन 625 जैसा परफॉर्मेंस यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, गेमिंग आपको इतनी अच्छी बढ़िया नहीं मिलेगी, वो तो मैंने आपको कौन सेक्शन में बताया हो, तो आप वहाँ पर वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ रीज़न की बात करते हैं क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आता है इसका 4 कैमरा। जी हाँ गाइज, आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है 13+2 MP का, फ्रंट में भी आपको 13+2 MP का डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है। तो दोनों ही कैमरा आपका 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी, शार्प और क्लियर है प्राइस पॉइंट को देखते हुए स्पेशली। और गाइज यहाँ पर आपको फ्रंट में एज वेल एज रेयर में आपको बोके मोड का इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड 2 MP का जो कैमरा है फ्रंट में एज वेल एज बैक में, वो डेप्थ सेंसिंग का काम करता है। तो यहाँ पर आपको जो पोर्ट्रेट मोड या बोल सकते हो बोके मोड है वो आपको बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा फ्रंट कैमरा एज वेल एज रेयर कैमरा से। तो गाइज अगर आपको बैक कैमरा तो अच्छा मिलता है बहुत सारे स्मार्टफोन में, बट उसके साथ में आपको फ्रंट में भी दो डुअल कैमरा का सेटअप मिल रहा है ये प्राइस पॉइंट पे। तो कैमरा तो ऑनर 9 लाइट की आप बोल सकते हो एक जान जैसी है। फिफ्थ और लास्ट रीजन की बात करते हैं कि क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर इसकी प्राइसिंग, गाइज ऑफिशियली ये इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है, बट गाइज यहाँ पर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो गाइज जो 3GB 32GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइसिंग की बात करो, गैस यहाँ पर जो 3GB 32GB वाला वेरियंट है वो आपको मिल जाएगा 11,000 की प्राइस पॉइंट पे। तो गैस 11,000 में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस यहाँ पर ये निकल के आता है ऑनर की तरफ से। तो यहाँ पर ओवरऑल एक आपको बहुत अच्छा फोन मिल जाएगा 11,000 की प्राइस पॉइंट पे। बट गैस जो 4GB 64GB वाला वेरियंट है वो आपको 15,000 की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। तो वो तो मैं कौन सेक्शन में बताऊं, बट प्रोस के लिए 3GB 32GB की प्राइसिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वैल्यू फॉर मनी लगी है। गाइज लास्ट रीजन बताया था, बट गाइज एक और एक रीजन है, सिक्स रीजन कि क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर है इसका सॉफ्टवेयर। गाइज आउट ऑफ द बॉक्स ये ऐसा नहीं है कि नूगट अभी दे देंगे ओरियो का अपडेट मिलेगा, बहुत से फोन में ऐसा बोल के निकाल लिए बट ओरियो का अपडेट अभी तक नहीं मिला। तो यहाँ पर ऑनर ने आपको डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो 8.0 देने को मिल जाएगा। एज वेल एज गाइज यहाँ पर जो कस्टम स्किन है ऑनर का वो भी आपको यहाँ पर नया मिलेगा। ऑनर का जो EMUI है वो आपको 8.0 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है और बहुत ही फ्लुएंटली वर्क करता है, और बहुत सारा आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो के साथ में आया बजट सेगमेंट का फ़ोन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज ये तो थे 6 रीज़न के क्यों आपको ऑनर का 9 लाइट परचेस करना चाहिए। और गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑनर 9 लाइट बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। आपको लेना है तो बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गाइज वहाँ से जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, तो चैनल को थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हो आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।